जय श्री राम। नमस्कार, बहुत स्वागत है राशि सिंह के जातक के लिए नववर्ष 2018 में। कैसा रहने वाला है आपका नववर्ष 2018? क्या है कुछ खास आपके लिए 2018 में? आइए मैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको बताने का प्रयास करता हूं और आप ध्यान से उस चीज़ को श्रवण कीजिएगा। सिंह राशि कालचक्र की पंचम राशि, काल पुरुष के पंचम अंग में विराजमान राशि, सूर्यकृत राशि, ग्रहों के राजा सूर्य की ही राशि है। और शायद मैं इस विषय पर जो मेरी पहली शुरुआत होगी वो राजनीतिक क्षेत्र से होगी, क्योंकि सूर्य राजा माना जाता है। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र को लेकर के देखें कि 2018 किस प्रकार रहने वाला है राशि सिंह के लिए, तो मैं कहना चाहूँगा बहुत उत्तम रहने वाला है, बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस वर्ष आपका जो प्रभाव है वो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अच्छा पड़ने वाला है। उसके साथ साथ यदि लकड़ी इत्यादि का व्यवसाय करते हैं तो भी आपके लिए 2018 बहुत उत्तम तरीके से व्यतीत होगा। पर उसके साथ कुछ चिंताएं भी रहेंगी, जिससे कि नींद आने में, अगर 2018 हम पूरी बात करें, एक शांतिपूर्वक नींद की बात करते हैं, तो शायद वो आपको नहीं प्राप्त होगी। और उसका कारण होगा आपकी संतान का, आपके जो संतान का जीवन है, जो सिंह राशि के जातक हैं उनके जो संतान का जीवन है वो निश्चित रूप से 2018 में संघर्षपूर्ण रहने वाला है, जिस कारण से आप परेशान रहेंगे। जब भी संतान को लेकर के कोई दिक्कतें आपके साथ उत्पन्न होती है तो आपने वहाँ पर करना क्या है, आपने वहाँ पर सीधे हनुमान जी की शरण में जाना है। और जब भी संतान के जीवन में प्रॉब्लम हो तो लगातार 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, संतान को आगे बढ़ने के लिए एक नया मार्ग प्राप्त होगा और शायद आपके वर्ष में खुशियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे स्वास्थ्य के ऊपर। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम उठा करके देखें तो यदि हम बात करते हैं फरवरी की बात करें, यदि हम मार्च की बात करें यदि हम, तो आपके स्वास्थ्य में यहाँ पर दिक्कतें रहने वाली हैं। फरवरी और मार्च में स्वास्थ्य आपके प्रतिकूल रहने वाला है, उसके बाद जो आपका स्वास्थ्य है वो निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। बात करेंगे पारिवारिक माहौल की। यदि पारिवारिक माहौल हम उठा करके देखें तो आपके भाई बहनों से संबंध बहुत बेहतर रहेंगे, पारिवारिक माहौल निश्चित रूप से आपके अनुकूल रहेगा। धन की अगर हम बात करते हैं, धन को लेकर के थोड़ा सा संघर्षपूर्ण समय जरूर जाएगा। जब भी लगे कि धन की आर्थिक दृष्टिकोण से मेरा समय खराब जा रहा है, बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप हरा फल भगवान गणेश जी को 11 दिन तक लगातार चढ़ाइएगा। 2018 अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। भगवान की आराधना के साथ 2018 प्रारंभ करें और उसके भगवान की आराधना के साथ व्यतीत करें, 2018 बहुत अच्छा जाएगा। आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। 2018 के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।